welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग DBMS के लेक्चर पढ़ेंगे. हम लोग ने इससे पहले 19 पढ़ लिया. आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज 20 लेक्चर. ओके, DBMS का 20th लेक्चर पढ़ेंगे आज. इससे पहले भी हम लोग ने डिस्कस किए हैं एट्रीब्यूट्स लास्ट क्लास में, जिसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर लिए थे. आज हम लोग 4th एट्रीब्यूट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है इसे डिस्कस करेंगे. अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज वन दैट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ सिंगल एंटिटी. एक सिंगल एंटिटी के लिए जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है दैट इज नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. इसका एग्जाम्पल एक मैंने दिया हुआ है, जैसे कि अ स्टूडेंट एंटिटी कैन हैव अ मल्टीपल वैल्यूज. एक स्टूडेंट की अगर एक एंटिटी की बात करें तो उसके पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं. जस्ट लाइक फॉर द हॉबी एट्रीब्यूट सच एज रीडिंग, म्यूजिक एंड पेंटिंग. अगर हॉबीज की बात करें तो हो सकता है वो इसको हो, उसकी हॉबी में रीडिंग भी हो, म्यूजिक भी हो, पेंटिंग भी हो. तो ये मल्टीपल वैल्यूज है फॉर अ सिंगल एंटिटी. ठीक है, तो आई थिंक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपको क्लियर हो गया होगा. उसके बाद डिस्कस करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट. डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज वन दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट इज डिराइवेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स. इसका मतलब है कि एक ड्राइव एट्रीब्यूट वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी वैल्यू को जो डिराइव्ड होती है कोई वैल्यू रिलेटेड एट्रीब्यूट से या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से. ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको. इससे इसका एक होता है कि डिराइव, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द एज एट्रीब्यूट कैन बी डिराइव फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट. हम लोग डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है कि 22 अक्टूबर 1996 ले लेते हैं. तो 1996 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी उसकी एज को निकाल सकते हैं. कि लाइक कोई भी एक लड़की है सुरभि, तो उसका डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो मैं निकाल सकती हूँ कि सुरभि की एक्चुअल एज किस क्या है. तो बर्थ एट्रीब्यूट से हम उसकी एज एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं, दैट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट. कोई बड़ी कोई चीज के इंफॉर्मेशन से हम दूसरी चीजें निकाल सके, दैट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको. उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन विद एन एग्जाम्पल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन विद एग्जाम्पल का मतलब है कि हम लोग रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल के साथ. स्टार्ट करते हैं, पहला रिलेशन है आज पहला ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिलेशनशिप डिस्कस करने वाले हैं. पहला रिलेशन है यूनरी रिलेशनशिप. यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है? यूनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन एन एसोसिएशन इज मेंटेन. जब एसोसिएशन मेंटेन होता है विद इन अ सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एंटिटी में. अब ये क्या होता है इसको मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाया हुआ है कि आपको क्लियर हो जाए हर चीज. तो फॉर एग्जाम्पल बॉस एंड अ वर्कर डिस्टिंग्विश द टू एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटिंग इन अ मैनेज एसोसिएशन. तो एक बॉस है और एक वर्कर, मान लो एक कंपनी का एक बॉस है और एक उसका वर्कर है जो उसमें वहां काम करता है. तो दोनों लोग एक टाइम के लिए तो वहां पे दोनों ही एम्प्लॉय होंगे क्योंकि दोनों ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. पर अगर एक मैनेज एसोसिएशन मतलब एक पर्टिकुलर चीज को मैनेज करने की बात करें तो दोनों के बिना ही नहीं चलेगा. अगर बॉस कुछ भी एसोसिएट नहीं कर रहा या कोई भी चीज मैनेज नहीं कर रहा तब भी कंपनी सही से नहीं चल पाएगी, और अगर वर्कर्स अपने पे आ गए तो शायद कंपनी तब भी नहीं चल पाएगी. तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे. उसको डिस्कस करते हैं कि जैसे ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो है एक तरफ वो वर्कर भी है और एक तरफ वो बॉस भी है. तो दोनों ही मैनेज करते हैं तभी वो एक कंपनी को पर्टिकुलर चला सकते हैं. तो यही एक एग्जांपल है आपका एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम एंटिटी. एक सेम एंटिटी का दो ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन है. ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही. आज हमने जो डिस्कस किया है दैट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विद एन एग्जांपल दैट इज यूनरी रिलेशनशिप. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. प्लीज जो भी डाउट हो प्लीज मुझसे एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन इन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.